सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब आई हो, अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, नई साल आपके लिए खुशियों भरी हो, बहुत अच्छा रहे आपका नया साल आने वाला। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि मेरठ नॉर्थ से लेकर और मेरठ वो मोदी नगर नॉर्थ स्टेशन से लेकर और आपको दिखाने वाला हूँ मैं मेरठ साउथ का स्टेशन पूरा दोनों साइड का दिखाने वाला हूँ। तो आपको पता चलेगा कि कितना कुछ वर्क कंप्लीट हो चुका है इस RRTS का। तो देख सकते हो यहाँ पर ये दूसरा ये नाला आ जाता है, तो इस पे देख सकते हो डबल पिलर बनाए गए हैं और इसको जोड़ने का काम है वो चल रहा है। देख सकते हो इस पिलर को भी और इस साइड के भी पिलर को इसको जोड़ा जाएगा, बीच में ये बीम डाला जाता है। तो ये तिकोना इस पर पियर कैप देखने के लिए मिले, क्यों थोड़ा सा कर्व ले लेता है कि बीच में रास्ता है इस वजह से दोस्तों। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस केपी संत के चैनल पर आप सभी देखते रहो दोस्तों। और बहुत कुछ इस वीडियो में आप सभी को देखने के लिए मिलेगा और मैं आज आप लोगों को लेकर चलूँगा प्रतापपुर का जो स्टेशन है वहाँ तक। तो मोदी नगर नॉर्थ के स्टेशन से लेकर मेरठ साउथ का स्टेशन और आपको बता दो प्रतापपुर का मेट्रो स्टेशन भी दिखाएंगे RRTS का। तस्वीर आप लोग देख सकते हैं, ये लॉन्चर लगा हुआ है, ये लॉन्चर एक दूसरे पिलर से कनेक्ट करता हुआ तेजी के साथ में बायोडक्ट को कनेक्ट कर रहा है और ये जा रहा है मोदी नगर नॉर्थ के स्टेशन के लिए दोस्तों। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करो केपी संत के चैनल पर दोस्तों, और मैं लाता रहता हूँ और आप लोगों को दिखाता रहता हूँ। तो देख सकते हो ये बायोडक्ट काफ़ी जोड़ दिया है इस वाले लॉन्चर ने, काफ़ी ज़्यादा ये बायोडक्ट जोड़ चुका है। और आपको बता दूँ कि ये बायोडक्ट जुड़ जाने के बाद में फिर इस पर पैराफिट बॉल लगाए जाते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद में इस पर और कुछ वर्क किया जाता है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो दोस्तों। दोस्तों तस्वीरें आप लोग देख सकते हो कि इस लॉन्चर ने यहाँ तक ये बायोडक्ट क्लियर कर दिया है, जोड़ दिया है। यहाँ पर ये लगाया गया था लॉन्चर, तो इसने ये मोदी नगर नॉर्थ के स्टेशन की साइड में जा रहा है। और आपको बता दूं कि दूसरा लॉन्चर यहाँ पर लगा हुआ है, इसने ये 5-6 पिलर को कनेक्ट कर चुका है ये। और आपको देखेंगे कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो ब्रिज है उसको ये अब ऊपर से उतारा जा रहा है दोस्तों। देख सकते हो कि ये क्रॉस कर रहा है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो दोस्तों ब्रिज है वो, उसको देख सकते हैं ये कनेक्ट कर रहा है ऊपर से, इसको उतार रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। और यहाँ से आगे की साइड में आपको देख बता दूं कि स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, क्या स्टार्ट हो जाए देख सकते हो, ये जा रही हमारे दादरी से स्टार्ट होगी और ये जाएगी लुधियाना पोर्ट तक दोस्तों। तो ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है जो कि बिल्कुल ही मालगाड़ियों के लिए ही रूट होगा दोस्तों। तो देख सकते हो ये पिलर एक दूसरे से लाइन में लगे हुए कितने सुंदर चमकते दोस्तों, और जब इस पर रैपिड रेल दौड़नी स्टार्ट होगी तब आप लोग देखेंगे क्या ही नज़ारा होगा यहाँ का, कि एक तरफ ये EDFC दौड़ेगी 100 किलोमीटर की रफ्तार से और दूसरा ये 180 किलोमीटर की रफ्तार से रैपिड रेल दौड़ेगी दोस्तों, और नज़ारा ही क्या होगा उस टाइम का, अद्भुत नज़ारा होगा दोस्तों। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर मेरे प्यारे दोस्तों। तो तस्वीर आप लोग देख सकते हो, यहाँ से ये डबल लाइन स्टार्ट हो जाती है, डबल पिलर स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि मोदी नगर साउथ का स्टेशन आगे आने वाला और बहुत लंबा चौड़ा स्टेशन बनाया जा रहा है। ये स्टेशन इसलिए यहाँ पर बनाया गया है दोस्तों कि जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से जो लोग ये आपका हरिद्वार के लिए जाएंगे या इधर की साइड में जाएंगे मुरादाबाद साइड में, तो वो यहाँ पर उतर सकते हैं और यहाँ से उतरने के बाद में फिर वो
बाई बस जा सकते हैं, यहाँ से उतरने के बाद में दिल्ली भी जा सकते हैं, मेरठ भी जा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये प्लेटफार्म बनाया गया है रैपिड रेल का। दोस्तों तस्वीरें देख सकते हो, अभी वर्क चल रहा है, तो कहीं कहीं इस पर गाटर लॉन्चिंग उधर हो गए, स्टार्टिंग में गाटर लॉन्चिंग की जा रही है। और इधर देख सकते हो ये पिलर को एक दूसरे पिलर से जोड़ा जा रहा है दोस्तों। और जोड़ा इसलिए जाता है क्योंकि ये यार्ड से लाया जाता है बीम को, और बीम को बीच में रखा जाता है, फिर ये साइड वाले पिलर से जोड़े जाते हैं, लेफ्ट का और राइट का जो पिलर है उसको जोड़ा जाता है दोस्तों, तो जुड़ जाता है देख सकते हो। और ये आ जाता है प्लेटफॉर्म, तो कौन कौन लेवल का तो पहले ही बन चुका था, अब जो प्लेटफॉर्म लेवल का जो वर्क है वो चल रहा है दोस्तों, वो स्टैंड किया जा रहा है देख सकते हो। ये पिलर स्टैंड किए जा रहे हैं, पिलर बना के इस पर फ्लोरिंग का काम भी किया जा रहा है दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, तो आप लोग देखो ये गाटर लॉन्चिंग की जा रही, गाटर लॉन्चिंग हो जाने के बाद में फिर इस पर फ्लोरिंग कर दिया जाएगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखते रहो दोस्तों के पी संत के चैनल पर। और आगे आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि आगे ये आपको बता दूं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को ये लाइन क्रॉस कर रही है रैपिड रेल, तो वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा आगे, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा आगे शॉर्ट वीडियोस में। तो देख सकते हो ये अभी वर्क चल रहा है, सेटरिंग लगी हुई है, ये पिलर को ही जोड़ा जा रहा है दोस्तों। देखो उसमें सेटिंग लगी हुई है, उसको भरा जा रहा है, इनको देखो दोनों को जोड़ा जा रहा है, कि बीच में आधा ये बीम होता है वो लाया जाता, फिर इसको रखा जाता, फिर इसको एक पिलर से दूसरे पिलर को जोड़ा जाता है, इनमें कंक्रीट भरा जाता है इस पिलर में और उस वाले पिलर में। तो देख सकते हो इन पर भी अभी रखा जाएगा, देखो ये रखने के लिए है ना, इन पर रख दिया जाता है, फिर इसमें कंक्रीट भर दिया जाता, तो कुछ इस तरीके से ये जुड़ जाता है दोस्तों। तो आप लोग बताना के पी संत द्वारा वीडियो कैसा लगता है आप सभी को, और अच्छा लगा हो तो फिर भी कमेंट करें, ख़राब लगा हो फिर भी कमेंट करें। और ऐसे ही वीडियोस के पी संत आप सभी लोगों के बीच में लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है, तो आप नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस के पी संत के चैनल पर डे आते रहते हैं और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो देख सकते हो ये है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को क्रॉस कर रही है ये RRTS। तो देख सकते हो यहाँ पर ये चार गाटर रख दिए गए हैं, स्टील के गाटर रखे जा रहे हैं इसलिए कि ताकि ट्रैफिक को ना रोका जाए, ट्रैफिक चलता रहे। तो आपको इधर से भी ये जोड़ेगा, देख सकते हो ये बना रहे हैं, और ये आ जाता है पूरा एक्सप्रेसवे का लूप दोस्तों। तो यहाँ से हम ऊपर भी चढ़ सकते हैं और इससे नीचे उतरने के लिए भी है। तो आपको बता दो अगर हम सीधे सीधे जाएंगे तो चले जाएंगे मुजफ्फरनगर लुड़की होते हुए हरिद्वार निकल जाएंगे, और दोस्तों हम यहाँ से अगर राइट में जाएंगे तो हम चले जाएंगे मेरठ के अंदर, यानी कि मेरठ सिटी के लिए, तो वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ये अंडरपास, ये देख सकते हैं ये अंडरपास है, ये मेरठ शहर के लिए अंदर चला जाता है और बाहर के लिए ये चला जाता है सीधा बिल्कुल। तो दिखाते हैं चल के आपको उधर का भी, उधर कितना कुछ काम हो गया है कंप्लीट, तो वो भी आप सभी देख लो, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के बीच में लाता रहता हूं और इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं पर डे। तो आने वाले ब्लॉग्स में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, बहुत सुंदर सुंदर ब्लॉग आने वाले हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, तो आप लोग देखो और इन्जॉय करो। तो देख सकते हो ये सारे पिलर बन के कम्प्लीट हो गए, देख सकते ये एक्सप्रेस वे क्रॉस करेंगे, देखो यहाँ पर पियर कैप का काम हो गया, इधर ये पिलर बनाए जाएंगे, अभी इन पर पाइलिंग हुआ है और पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, अब इसमें रिंग लगाए जाएंगे और रिंग लग जाने के बाद में फिर इन पर कंक्रीट द्वारा भर दिया जाएगा, फिर इन पर पियर कैप का काम किया जाएगा, फिर यहाँ पर लॉन्चर लगा दिया जाएगा दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो ये मेरठ के लिए चला जाएगा बिल्कुल सीधा, तो आगे रेलवे लाइन को ये क्रॉस कर रही है लाइन, तो इसी वजह से यहाँ पर ये डबल पिलर बनाए गए हैं देख सकते हो, आगे पड़ेगा वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो अब यहाँ से हम आपको बता दूं दोस्तों कि चलेंगे वापसी, और मेरठ का आप लोगों को अगले साल देखने के लिए मिलेंगे कंटिन्यू, पर डे ब्लॉग आएंगे आप लोगों के बीच में जहाँ तक भी है, और नई नई जगहें दिखाएंगे, नई नई जगहें कवर करने वाला हूँ आप लोगों के बीच में। तो देख सकते हो ये यहाँ पर इसके एक्सप्रेस के बिल्कुल किनारे से ही ये पिलर बनाया जा रहा है, क्योंकि इसे क्रॉस करवाना है दोस्तों। और ये देख सकते हो ये चार गाटर रख दिए हैं इस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को क्रॉस करवाने के लिए RRTS
द्वारा दोस्तों। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर। केपी संत लाता रहता और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो नई साल है और नई साल की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, नया साल आप सबके लिए मुबारक हो। मेरी तरफ से केपी संत की तरफ से नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों के लिए। आपके साल जो आए दिन दुगना रात चौगुनी करे, ये नया वाला साल आने वाला आप सभी को लिए दोस्तों। तो देख सकते हो तस्वीरें, ये है मेरठ साउथ का स्टेशन RRTS का दोस्तों। तो अभी बहुत तेज़ी के साथ में इस पे वर्क चल रहा है, तो देख सकते हो अभी एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट किया जा रहा है। कनेक्ट कर देने के बाद में फिर इस पे गाटर डर रखे जाएंगे और गाटर लॉन्चिंग हो जाने के बाद में दोस्तों इस पे फ्लोरिंग का काम किया जाएगा। फ्लोरिंग का काम हो जाने के बाद में फिर इस पे ट्रैक बिछाया जाएगा दोस्तों, ट्रैक वो बिछाया जाएगा वो आप लोगों को देखने के लिए। मैं तो देख सकते हैं ये जो प्लेटफॉर्म लेवल का काम है उस पर वो चल रहा है। ये कौन कौन से लेवल का काम पहले ही हो चुका था, तो अभी इस पर इधर ही यही वर्क चल रहा है इस मेरठ साउथ के स्टेशन पर दोस्तों। तो और आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे वीडियोस बहुत अच्छे अच्छे। तो केपी संत को ना देर करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को शेयर करो अपने दोस्तों में, हितू रिश्तेदारी में, जहाँ भी आप कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे शेयर करो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा। और कमेंट करके हमें ज़रूर बताओ, ठीक है, एक लाइक कर दिया करो और कमेंट करके हमें ज़रूर बता दिया करो कि केपी संत के वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं दोस्तों। तो आगे आप लोगों को इम्प्रूवमेंट के साथ में ब्लॉग्स देखने के लिए मिलेंगे केपी संत के चैनल पर। तो देख सकते हो ये गाटर लॉन्चिंग की जा रही है इन पर, और गाटर लॉन्चिंग हो जाने के बाद में इन पर फ्लोरिंग का काम किया जाएगा दोस्तों। तो अभी तो गाटर लॉन्चिंग का ही काम चल रहा है, और इधर ये देखो फ्लोरिंग के लिए सेटरिंग बिठाना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, इधर ये फ्लोरिंग का काम हो रहा है, देख सकते हो ये फ्लोरिंग की जा रही है ना, तस्वीर आप लोग देख सकते हो अपनी आंखों से, तो आप लोग बताना। और ये है EDFC जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के दादरी से स्टार्ट होती है और ये लुधियाना के बंदरगाह तक जाएगी दोस्तों, और वहाँ से ये ट्रैक बिल्कुल कंप्लीट हो गया है बनके, अब इस पर चलना ही स्टार्ट हो जाएगा, खोल दिया जाएगा कुछ दिनों में। तो वीडियोस आने वाले हैं, और लाइक शेयर कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस, मिलते हैं।